हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल हब। इस बुक का बेहतर एक्सपीरियंस लेने के लिए आप स्ट्रेट बैठ जाइए और दो बार डीप ब्रेथ लीजिए और हो सके तो लेट करके आँख बंद करके सुनिए। यह ऑडियो बुक समरी आपको पूरी तरीके से चेंज करने में सक्षम है। आइए स्टार्ट करते हैं। यह बुक हमें सिखाती है कि जीवन में आप जो चाहते हैं उसे क्रिएटिव करने के लिए अपनी इमेजिनेशन की पावर का उपयोग कैसे करें और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मेंटल इमेजरी और अफर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करें। आज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग हेल्थ, एथलेटिक्स, बिजनेस, एजुकेशन और रचनात्मक कलाओं के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जाता है। इस बुक को 6 पार्ट्स में बांटा गया है जिन्हें हम एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की मूल बातें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें कल्पना का उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो बना सकते हैं। यह हमारी प्राकृतिक कल्पना शक्ति है, ऐसी बुनियादी रचनात्मक ऊर्जा जिसे हम हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे हम इसके बारे में जागरूक हों या ना हों। इस बुक में हम सीखेंगे कि हम नेचुरल क्रिएटिव इमेजिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस वे में किस तरह से इस्तेमाल करें। इस टेक्निक से हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, प्यार, पूर्ति, आनंद या संतोषजनक रिश्ते। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके हम नेचुरल गुडनेस और अबेंडेंट जिंदगी में कैसे इंटर करते हैं यह जानेंगे। इमेजिनेशन एक ऐसी क्षमता है जिससे हम आइडियाज़ को बना सकते हैं, मेंटल पिक्चर या किसी चीज़ की सेंस फील कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हम इमेजिनेशन की मदद से क्लियर इमेज बना सकते हैं, आइडियाज़ और किसी विज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उस आइडिया पर फोकस करते हैं, फील करते हैं, उसे अपने ब्रेन में डेली पिक्चराइज करते हैं। इस तरह से आप उस चीज़ को सकारात्मक ऊर्जा देकर वस्तुगत वास्तविकता बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अभी आपकी वर्तमान नौकरी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अगर आप फील करते हैं कि जॉब करना आपके लिए सही है पर ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसे बेहतर होने की ज़रूरत है, तो आप उन सुधारों की कल्पना कीजिए। अगर इसने काम नहीं किया या आप फील करते हैं कि आपको नई जॉब मिलनी चाहिए, तो आप फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फोकस और इमेजिन कीजिए जो आपकी इच्छा है। आप डीप रिलैक्स, शांत, ध्यानमय अवस्था में रहिए। इमेजिन कीजिए कि आपकी परफेक्ट जॉब सिचुएशन में काम कर रहे हैं। इसी चीज़ को दिन में 2 बार इमेजिन करें या जब भी आप उसके बारे में सोचें। अगर आपकी इच्छा और इरादा दोनों स्पष्ट है तो आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं और बदलाव बहुत अच्छे हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किस तरह से काम करता है, अगर आपको समझना है तो आपको इन उपयोगी सिद्धांतों को समझना होगा। हमारा फिजिकल यूनिवर्स एनर्जी है। अच्छे से समझें तो हमारा फिजिकल यूनिवर्स किसी मैटर से नहीं बना है। इसका बेसिक कंपोनेंट एक तरह का फोर्स है या उसे हम एनर्जी कह सकते हैं। फिजिकली देखें तो हम सब एनर्जी हैं और हर एक चीज़ जो हमारे अंदर है या हमारे आसपास है वो सब एनर्जी है। सभी तरह की एनर्जी एक दूसरे से इंटरलिंक है और वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। एनर्जी मैग्नेटिक होती है। ऊर्जा का एक नियम है, एक निश्चित गुणवत्ता की ऊर्जा या कंपन समान तरह की ऊर्जा और कंपन को आकर्षित करती है। विचार और भावनाएं, इन दोनों के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक एनर्जी है जो उनके समान प्रकृति को आकर्षित करने में मदद करती है, फॉर्म आइडिया का पीछा करती है। सोच एक तेज हल्का ऊर्जा का छोटा रूप है जो विचार तुरंत प्रकट हो जाते हैं किसी भी सघन रूप जैसे मैटर की तुलना में। जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं तो सबसे पहले हम उसे सोच की फॉर्म में बनाते हैं या थॉट की फॉर्म में। यह एक ऐसा सिद्धांत है कि जब भी आप यूनिवर्स में कुछ देते हैं तब यूनिवर्स आपको वही चीज़ वापस दे देता है। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जब हम निगेटिव और डरने लगते हैं, इनसिक्योर या चिंता करते हैं, तब हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिसे हम अवॉइड करना चाहते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में एक सरल व्यायाम। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बेसिक तकनीक को समझिए। पहला, ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको पसंद है। इस व्यायाम के लिए आपको कुछ सरल चुनना है जो आप आसानी से कल्पना कर पाएँ। यह हो सकता है कि कोई वस्तु है जो आप चाहते हैं या कोई इवेंट हो सकता है
जो आप प्रकट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें आप खुद को देखना चाहते हैं या किसी चीज़ को जो आप अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं। आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन बैठ जाएं, ऐसी शांत जगह पर जहां आप कोई डिस्टर्ब ना करें। अभी आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें, गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। 10 से लेकर 1 तक धीरे धीरे गिनें। जैसे जैसे आप एक एक गिनती कम करेंगे, वैसे ही आपको गहराई से खुद को फील करना है। जब आप डीप रिलैक्स फील करेंगे, तब आपको उन चीज़ों को इमेजिन करना है जो आपको बिल्कुल अपने जीवन में चाहिए। अगर वो कोई वस्तु है, खुद को उस वस्तु के साथ कल्पना कीजिए, स्मार करते हुए, उससे आनंद लेते हुए, अपने दोस्तों को दिखाते हुए। इस प्रक्रिया को उतनी ही देर करें जब तक आप उससे आनंद लेते हैं। यह 5 मिनट हो सकता है या फिर आधा घंटा। इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करें तब तक जब तक आप इसे कर सकते हैं। जब आप क्रिएटिव विजुलाइजेशन को सीखना शुरू करेंगे, तो यह ज़रूरी है कि आपको डीप रिलैक्स रहना है। जब आपकी बॉडी और माइंड डीप रिलैक्स होते हैं, तब आपके ब्रेन वेव पैटर्न वास्तव में बदलकर स्लो हो जाते हैं और ज़्यादा गहरा, स्लोवर लेवल को कहते हैं अल्फा लेवल, जबकि आपकी हमेशा व्यस्त चेतना को बेटा लेवल कहा जाता है। अल्फा लेवल को कॉन्शियसनेस की बहुत ही हेल्दी स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेट से माइंड और बॉडी दोनों डीप रिलैक्स हो जाते हैं। विशेष रूप से क्रिएटिव विजुलाइजेशन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद करना सबसे बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पर माइंड और बॉडी दोनों उनकी पीक लेवल पर रिलैक्स और हाईली रिसेप्टिव रहते हैं। कल्पना कैसे करें? बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि वास्तव में विजुलाइज क्या मतलब क्या होता है। कुछ लोग परेशान होते हैं क्योंकि वो जब आंखें बंद करके विजुलाइज करते हैं, तब वो कोई मेंटल पिक्चर या इमेज को देख नहीं पाते। जब कुछ लोग पहली बार विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। अब विजुलाइज शब्द को लेकर मत बैठिए, यह जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मेंटल इमेज दिखनी ही चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें और डीप रिलैक्स फील करें। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको पता है, जैसे आपका बेडरूम या फिर लिविंग रूम। खुद को कल्पना कीजिए कि आप आराम से एक चेयर पर बैठे हैं या बेड पर सोए हैं। उस एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश करें और उन कंफर्टेबल एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। और जो भी अभी आपने किया, आपके दिमाग में इमेज लाने के लिए, उस तरीके को विजुलाइजेशन ही कहते हैं। असरदार क्रिएटिव विजुलाइजेशन के लिए 4 स्टेप्स। पहला स्टेप, अपना लक्ष्य ऐसी चीज़ों के लिए तय करें जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, जिसकी तरफ आप काम करना चाहते हैं या उसे क्रिएटिव करना चाहते हैं। वो चाहे किसी भी तरह या स्तर पर हो, कोई नौकरी, घर, रिश्ते या आप में ही कोई बदलाव, एक खुशहाल मन, स्वास्थ्य, शरीर, सौंदर्य, पारिवारिक समस्याओं को हल करना या जो भी हो। ऐसे गोल चुनें जो थोड़े आसान हो, जिस पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आप आसानी से उस काम को कम से कम समय में पूरा कर लेंगे। स्टेप 2, एक क्लियर आइडिया को क्रिएट करें या किसी वस्तु या सिचुएशन की फीलिंग को जैसी आपको एग्जैक्टली चाहिए। आपको वो वर्तमान काल में सोचना है जैसे कि वो अभी आपके जीवन में मौजूद है। अब आप अपने आइडिया या मेंटल पिक्चर पर फोकस करें। दोनों चीज़ों पर मेडिटेशन पीरियड में फोकस करें और कैजुअली जब भी आपके मन में हो तो उस पर सोचें, और इसी तरह से यह आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। यह आपके लिए एक तरह से रियलिटी बन जाएगा और आप उसे बहुत ही अच्छे से जीवन में प्रोजेक्ट कर पाएंगे। स्टेप 4, अब इसको सकारात्मक ऊर्जा दें। अब जब आप अपने गोल पर फोकस करते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है। प्रोत्साहक तरीके से खुद के लिए मजबूत सकारात्मक व्यक्ति बना लें। मेरा लक्ष्य एग्जिस्ट करता है, यह मेरे पास आ रहा है, यह जल्दी आने वाला है। खुद को उसे अपने पास देखें या उसे हासिल करते हुए देखें। जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, इस काम को जारी रखना है। क्रिएटिव विजुलाइजेशन का यूज करना। क्रिएटिव विजुलाइजेशन की बेसिक तकनीक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपको उसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए जो आपके लिए काम करे, और यही बात आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखें यह है कि आपको क्रिएटिव विजुलाइजेशन नियमित आधार पर करना है। आपके पास रेगुलर क्रिएटिव विजुलाइजेशन के लिए 15 मिनट का मेडिटेशन पीरियड होना ही चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, और अगर मैनेज हो सके तो दोपहर में भी एक बार कर लें। आपका ध्यान अवधि
डीप रिलैक्सेशन के साथ शुरू होना चाहिए और उसके बाद आप कोई भी विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन आपकी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ मैंने अपनी ग्रोथ के प्रोसेस में दो चीज़ें सबसे ज़रूरी फील की है, वो यह है रोज़ इंस्पायरिंग और सपरेटिव बुक्स को रीड करना, और यह बुक्स ही आपके मेंटर्स के साथ टच में रहने की मदद करेंगे। सेकंड है, आपके पास एक ऐसा फ्रेंड या फ्रेंड्स कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें सभी लोग और भी ज़्यादा सचेत होकर नई नई बातों को सीखें और ऐसे दोस्तों आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करें और आपके साथ आपको आगे बढ़ने में एफर्ट्स देंगे। हम अपने जीवन को तीन पहलुओं में समझ सकते हैं और उन पहलुओं को हम कह सकते हैं बीइंग यानी कि बन जाना, डूइंग यानी कि करना, और हैविंग यानी कि होना। बीइंग जिंदा होने और जागरूक होने का सबसे बेसिक एक्सपीरियंस है। यह अनुभव हमें तब आता है जब हम फुली प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर रहे होते हैं, ऐसा अनुभव जिसमें हम खुद को पूरी तरह से महसूस करते हैं। डूइंग का मतलब होता है कोई मूवमेंट या एक्टिविटी करना। क्रिएटिव एनर्जी नेचर की वह रूट्स हैं जो हर एक लिविंग थिंग्स में फ्लो हो रही हैं। यह सोर्स है एक मजबूत और सक्रिय ऊर्जा का। हैविंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर एक इंसान दूसरे इंसान से रिश्ते में होता है। यह एक ऐसी क्षमता है जो किसी भी चीज़ को अनुमति और स्वीकार कर सकती है, और जो लोग हमारी ज़िंदगी में हैं वो आराम से इसी सेम जगह पर रह सकते हैं। थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि हमारे लिए किसी भी स्थिति में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कितना सफलतापूर्वक काम करेगा। पहला, इच्छा। आपके पास एक सच्ची इच्छा होनी चाहिए या आप जो भी चाहते हैं उसे विजुअलाइज करना चुन सकते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं सच में दिल से इस इच्छा को हकीकत बनना देखना चाहता हूँ। दूसरा है विश्वास। जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य में विश्वास करेंगे उतना ही आप और भी ज़्यादा श्योर हो जाएंगे उस काम को करने में। खुद से पूछें, क्या मैं विश्वास करता हूँ कि यह लक्ष्य वास्तविकता में बदल सकता है, और क्या मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इसी हकीकत में बना सकता हूँ और यह हासिल कर सकता हूँ। तीसरा है स्वीकृति। आप हमेशा स्वीकार करने के लिए और जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी इच्छुक होने चाहिए। अगर इन तीन एलिमेंट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो इसे हम इरादा बुला सकते हैं। जब हमारे पास किसी चीज़ को बनाने का मजबूत इरादा होता है उसी समय हम इस इच्छा को गहराई से महसूस कर सकते हैं। आप पूरे तरीके से विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा को पाने के लिए सबसे ज़्यादा इच्छा रखते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करने का सबसे प्रभावी तरीका है स्पिरिटी ऑफ द वे ऑफ टो। इसका मतलब है प्रभाव के साथ जाना। जहाँ भी आप जा रहे हैं आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी है। आपको सिंपल माइंड में क्लियर रखना है कि आपको कहाँ जाना है, और जब तक आप नहीं जाते आपको सब्र के साथ रिवर के फ्लो को फॉलो करना है। फ्लो के साथ जाने का मतलब है अपने गोल्स को हल्के से पकड़ना, अगर वो ज़रूरी भी लगे तो भी, और उसे बदलने के लिए तैयार रहना। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा हैवी इमोशंस होंगे तो आप उस गोल को हासिल करने के बजाय खुद के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे। आपके डर में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए। आप असल में उस आइडिया को एनर्जी दे रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि समृद्धि की भावना को विकसित करना। इसका मतलब है आपको समझ होनी चाहिए या होशपूर्वक किसी दृष्टिकोण को ग्राफ कर सकें जो है ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है। सभी चीज़ जो आपको सच में चाहिए या आप जिसे मांगना चाहते हैं तो आपको सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है और उसे स्वीकार करें। मेडिटेशन एंड अफर्मेशन। आराम से अपनी पीठ को सीधा करके बैठ जाइए, चाहे कुर्सी पर या ज़मीन पर क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और धीरे से गहरी सांस लें। 10 से लेकर 1 तक गिनती करिए। जैसे जैसे आप काउंट करेंगे आप और भी डीपली रिलैक्स फील करेंगे। इस मेडिटेशन से आप कॉस्मिक एनर्जी, फैंटेसी और इमेजिनेशन के बीच एक अच्छा बैलेंस बना लेंगे। इस मेडिटेशन से आप अपनी बॉडी को प्योरीफाई और हील कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी फ्लो होती रहेगी। इमेजिन कीजिए आपके सर के ठीक ऊपर एक बड़ा सुनहरा स्फीयर चमक रहा है। गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। ऐसा आपको 5 बार करना है और आपका ध्यान स्फीयर की रोशनी पर होना चाहिए। उसे फील करें कि गोल्डन स्फीयर आपके सर से ही लाइट रेडिएट कर रहा है। आपके अंदर आपको एक अभयारण्य बनाना है जिसका अर्थ है एक प्राकृतिक अभयारण्य जहाँ आप जब चाहे जा सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से आप एक नेचुरल रिजर्व बना सकते हैं। उस रिजर्व में आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और किसी भी आरामदायक पोजीशन पर रिलैक्स करें।
खुद को किसी बहुत खूबसूरत प्रकृति की जगह पर कल्पना करें, या किसी पहाड़ की चोटी हो सकती है, या एक ऐसा जंगल जो समुंदर के किनारे हो, या किसी सागर के अंदर की भी जगह हो सकती है, या कोई अलग ग्रह भी। आपको बस कंफर्टेबल, शांत और अच्छा फील करना है। अब आप वो सब इमेजिन कर सकते हैं जिससे आपको वहाँ पर घर जैसा और कंफर्टेबल फील हो रहा हो। सबके अंदर एक परम ज्ञान का स्रोत और ज्ञान छुपा होता है। यह हमारे पास अपने अवचेतन मन से आता है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट होता है। आपका इनर गाइड एक हाइजर वर्जन होता है, हम जो भी अभी हैं उसका, और यह किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन आमतौर पर यह सिर्फ किसी इंसान के रूप में या किसी वाइज फ्रेंड के रूप में ही आता है।